गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं मोहिला टॉप। कल जो हम रात को रुके थे वो चकराता मेन मार्केट, जो मैंने आपको पहले वाले व्लॉग में दिखाया था। जिसने अभी तक वो पहला वाला व्लॉग नहीं देखा है, मेरे चैनल में जाके वो पहला वाला व्लॉग जाके ज़रूर देखे, तो उसके बाद आपको ये वाला व्लॉग देखने में मज़ा आएगा। सो जस्ट अभी आधा रास्ता कवर कराया, अभी 13 किलोमीटर रह गया है, 25 किलोमीटर था। और सुबह से कुछ खाया वाया भी नहीं है, तो सोचा वहीं जाके खाना वाना वगैरह वो ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। पर रास्ते में भाई साहब इतनी बढ़िया खूबसूरती है ना, ये देखो पीछे व्यू देखो आप लोग, क्या सेक्सी मज़ा आ रहा है। आ रहा है भाई मज़ा कि नहीं आ रहा? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आ यार मोटिवेट रहो यार, खाली पेट भयंकर मोटिवेट, मोटिवेशन दिखाओ। तो खाना नहीं मिला। सो जस्ट रास्ते में रुके थे, तो पहले तो आगे था रास्ते, जब हम आए वहाँ से तो वहाँ पर तो कहीं कहीं जगह ठंडा था, क्योंकि कहीं कहीं जगह धूप आ रही थी, कहीं कहीं जगह नहीं आ रही थी पेड़ों की वजह से। पर जिस शॉप में हम रुके हैं वहाँ से एक तरफा व्यू है, आप देखो एक तरफा व्यू। अगर आप लोग आते हो यहाँ पर घूमना चाहते हो तो भाई ये जगह बढ़िया है। इस टाइम पे, इस मौसम पे भी आओ, ना इतनी गर्मी है ना इतनी वो है सर्दी है, मतलब सर्दी थोड़ा ज़्यादा है, मेरे को तो इतनी लगी नहीं, मेरे भाई ये जो आया है साथ में इसको ज़्यादा लगी है। बट अभी 25 किलोमीटर था चकराता से आपका मोहिला टॉप, बट अभी हमने कवर कर चुके हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली सारा ही कवर कर लिया है। पर दो तीन किलोमीटर मुश्किल से रह गए, पर इतनी प्यारी ब्यूटी को कैसे छोड़ सकते हैं भाई लोगों, हैं जन्नत है भाई, स्वाद आ रहा है ज़िंदगी का, ये देखो। तो जस्ट रुके हैं, थोड़ा फ़ोटो वगैरह क्लिक वगैरह करवाएंगे, उसके बाद थोड़ा होटल, उसके बाद जाके सीधा आपको डायरेक्ट होटल पर मिलते हैं। तो यार हम लोग मोहिला टॉप पे तो नहीं पहुँचे, टॉप का तो अभी है रास्ता काफ़ी, तो हमने रूम ले लिया था और ये हमें रूम अप्रॉक्सीमेटली 1500 का मिला है, क्योंकि ऑफ सीजन है ना, और वैसे जनवरी फरवरी में आते थे तो इसका रेट वो कह रहे थे 2500 to 3000 हो जाता है भाई। इधर भी लगाया परफ्यूम बस। सो अभी जस्ट रूम में है, और रूम इतना कोई ऐसा नहीं है हाई फाई, और यहाँ पर जस्ट दो ही रूम है, और आगे एक फॉरेस्ट वाला गेस्ट हाउस है, तो वहाँ का हमें आइडिया नहीं था कि क्या सिस्टम है, क्या बुकिंग वगैरह है। हमें लगा था कि ऑन द स्पॉट मिल जाएगा, बट उन्होंने बोला कि उसकी ऑनलाइन बुकिंग वगैरह होती, तो हमने यहीं पर ले लिया। यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर बाइक जाएगी और उसके ऊपर 2.5 किलोमीटर ट्रैक है आपका। सो आपको मैं रूम दिखा देता हूँ, ज़्यादा हाई फाई नहीं है, पर यहाँ पंखे वंखे होते नहीं क्योंकि ठंड हो जाती है बहुत। ये सामने से व्यू है, ऐसा दो खिड़की दे रखी है, उस तरफ भी है, सॉरी 3 खिड़की है, और ऐसा कुछ रूम है, बस थोड़ा बहुत ही है, मतलब दो बंदों के लिए इनफ है यार, और इतना होटल वगैरह में खर्चा भी करना सही नहीं रहता, इतना आप घूमने वगैरह में लगा दो। तो यहाँ से हमें ऊपर जाना है, और यहाँ से नीचे से हम आए थे, वो जो वहाँ बोर्ड लगा है ना वो दूसरी तरफ कहीं और जगह जा रहा है, और हम यहाँ से ऊपर आए थे, और यहाँ पर कहते हैं कि 6-7 बजे तक ये वो होटल्स वगैरह सारी चीज़ें बंद हो जाती है। शाम को खाने पीने के भी 2-3 ही है, थापा फास्ट फूड करके है, और 2-3 और है, और यहाँ पर आपको कोई ऐसा हाई फाई खाना नहीं मिलेगा, ब्रेड आमलेट वगैरह ये चीज़ें, मैगी चाउमिन थी यहाँ पर, मेरे को तो नहीं आइडिया था कि मिलती है कि नहीं मिलती। सो जस्ट अभी थोड़ा रेस्ट किया था, और आके थोड़ा रेस्ट किया था, ऐसा रूम थोड़ा खिलर गया है, तो इसको थोड़ा समेटते हैं और फिर मोहिला टॉप के लिए जाते हैं, और वहां जाके आप लोगों का सरप्राइज एकदम खत्म हो जाएगा। तो हम थोड़ा ही मोहिला टॉप के लिए निकले थे, थोड़ा सा ही आगे आए, और आपको ब्यूटी दिखाता हूँ, एक तरफा है, ये देखो ऊपर देखो, वो देखो बादल आ रहे, आप देखो पीछे देखो, आ रहा है स्वाद, तेरे को भी आ रहा है स्वाद भाई। जो ये वाला रास्ता आ रहा है हम वहाँ से आए हैं, और तो ये वाली रोड तो थोड़ी ठीक है, बट जो आगे है ना जहाँ से हम आए हैं वो बहुत उबड़ खाबड़ है, जैसे गाड़ी वगैरह में आ रहे तो भाई वो आपने रिश्ते, क्योंकि सारे अंजर पंजर हिल जाएंगे। 3 किलोमीटर का ट्रैक है, वो 3 किलोमीटर की राइडिंग का है, जो मैंने यहाँ बाइक खड़ी कर दी है यहाँ से, अब ये है ऊपर ये लिखा हुआ है बुद्धेर मोहिला टॉप 2.5 किलोमीटर, अब यहाँ से ऊपर ट्रैक है, बाइक जा नहीं सकती क्योंकि ऐसी कंडीशन नहीं है। थोड़ा इस टाइप का है कुछ व्यू ट्रैकिंग का, 2.5 किलोमीटर का ऐसे स्टेप बने हुए, तो आपको पता मेरी तो फट जाती है भाई, मैं तो हर उसमें बोलता हूँ, तो आपको चढ़ के सीधा ऊपर ही मिलता हूँ।
सो फाइनली जो पहले व्लॉग में डाला था कि आप सरप्राइज के लिए तैयार हो, तो सरप्राइज आप लोगों के जस्ट सामने है, मतलब मेरी आंखों के सामने, तो मैं आपको भी फील करवाता हूँ। और आप देखो एक तरफा व्यू है, मतलब वर्थ इट है। अगर आप आते हो यहाँ पर तो एकदम पैसा वसूल चीज है। लुक एट दिस व्यू गाइस, दिस इज कॉल्ड अ मोहिला टॉप। यहाँ पर उन्होंने बोला एक लेक भी है, और ये ऊपर जो दिख रहा है ये मंदिर भी है, तो हम उधर ही जा रहे हैं। और क्या ब्यूटी है भाई, एक तरफा व्यू आ रखा। और ये हवा की आवाज सुनो आप लोग, मेरे को तो नीचे से लग रहा था कि बारिश होने वाली है, पर बारिश नहीं थी। और वो जो दूसरा भाई वो आगे पहुंच चुका है। आरा आरा मजा, हालत टाइट हो गई पर मेरी ऊपर चढ़ चढ़ के, पर व्यू बहुत बढ़िया है। मंदिर यहाँ पर है, और कृपया करके जूते यहाँ पर बाहर उतारे, अंदर ना लेके जाए। यहाँ पर स्पेशली लिखा है कि एकदम साफ सफाई रखनी है भाई, इतनी हाइट पे है। दिस इज द व्यू गाइस, सो वहाँ एक केव दिख रही है सामने, आपको भी दिख रहा होगा, तो वहाँ जाके देखते हैं क्या है भाई। वैसे तो केव में इतनी ऊंचाई में तो यहाँ पर तो गाय वगैरह ही है ज़्यादातर। लेट्स सी, उन्होंने बोला कि एक केव है, एक मंदिर है और एक पौंड है। पौंड तो ऐसे दो चार दिख रहे हैं, अभी आप ऊपर जाके देखते हैं और कि कहाँ मेन पे पौंड वगैरह है या फिर यही पौंड होंगे। से नीचे की तरफ आगे है, और घास घास है तो स्लिपरी होता है, तो प्रीफर करो कि आपके शूज हो ट्रैकिंग वाले हो। अभी तो इतना स्लिपरी मेरे को लग नहीं रहा है, पर तो ये है पानी पानी की आवाज़ है, क्योंकि हर जगह पौंड पौंड है ना, हर एक मतलब थोड़ा सा भी एक पहाड़ थोड़ा सा चढ़ो तो पौंड वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वजह से ट्रैकिंग वाले शूज़ लेके आओ तो बहुत बेनिफिट रहेगा। और भाई साहब जन्नत है ना, मज़ा आ गया, स्विट्जरलैंड घूमने आया भाई मैं। ठीक है, जो लास्ट व्लॉग का सरप्राइज था वो यहाँ मिल रहा है आप लोगों को। जब हम लोग आए थे तब धूप नहीं थी, बट अभी थोड़ी धूप आ चुकी है, और हम केव के रास्ते में ही है। जस्ट ये सामने केव है, तो देखे भैया अंदर क्या है। ऐसा क्या बोल रहा है, गंदगी मचा रही लोगों ने, लेज के पैकेट तो दिख रहे हैं यार मुझे, बहुत गंद कर रहा है। वहां पर लिखा हुआ था बैनर में कि क्या बोलते हैं आपको ये चीजें मतलब यहाँ नहीं फेंकनी है, अगर लेके आ सकते हो आप कैरी कर सकते हो तो लेके जा भी सकते हो। सो जस्ट अभी अंदर जाने का ट्राई करते हैं, अगर पॉसिबल होता तो व्लॉग में अभी आगे डाल दूंगा मैं। ट्राई करते हैं अंदर जाने का, और अगर जा पाएंगे तो ठीक है, आपको जितना दिखा पाऊंगा उतना आप देख लेना। जस्ट नीचे जा रहा हूँ, भाई देख ज्यादा ज्यादा फायदा तो है नहीं जाने का, तो क्या करें वापस चलें। हाँ तो केव होती है भाई, हमने क्या करना है इसका, केव का बहुत छोटा है। तो ऐसा कुछ केव का व्यू है, और भाई मेरी बॉडी, मेरे को नहीं लगता कि मैं अंदर फिट आ पाऊंगा, क्योंकि भाई ये मेरा भाई फंस गया अंदर। सो यार केव में गए तो थे, बट मैं तो जैसे ही एंट्री किया, मेरा तो मेरे को पता है कि मेरा शरीर तो भाई आने वाला नहीं है। तो ये जो मेरा भाई है साथ में जा रखा था, ये चला गया था अंदर, पर ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर रास्ता बना रखा है नीचे जाने का। बट वही है कि अगर आप थोड़े पतले हो तो आप जा सकते हो, वैसे तो जाने के लिए जा सकते हो, पर ये पानी वानी बहुत था तो मिट्टी विट्टी छुप जाती बहुत ज़्यादा, मतलब सीन खराब हो जाता, तो इसलिए जस्ट वो केव है, ऊपर मंदिर है। मंदिर की में जो वो हिस्ट्री है उसकी मैं फ़ोटो पहले वाले शॉट में डाल दूंगा, आप देखना ज़रूर। और अभी जस्ट जा रहे हैं मोहिला टॉप पे, वो लास्ट टॉप है, और एक लेक भी बोली थी, बट यहाँ पर तो हमें दो तीन पौंड वगैरह दिख गए। मेरे को तो नहीं लगता कि लेक बोली थी ना, कीचड़। सो दिस इज द पौंड गाइस, जो नीचे बोला था पौंड। ऐसा है, दलदल ही है पूरा, क्योंकि इतनी हाइट में पानी भी वगैरह सब जगह से निचड़ निचड़ के यहीं इकट्ठा होता है, क्योंकि सरफेस ही है यही। तो वो जो
वहाँ से आए जहाँ पर वो घोड़े हैं ना भाई साहब, एक तरफा ब्यूटी है उनकी, उनमें से एक ब्राउन कलर का जो उस तरफ है, जो ये इस तरफ वाला है वो एक तरफा प्यारा लग रहा। सो वहाँ से आए अभी जो मोहल्ले टॉप है उसकी चढ़ाई ऐसे है कुछ। सो आपको ऊपर जाके मिलते हैं। सो फाइनली वी आर इन मोहल्ला टॉप और वहाँ से चढ़ के हम यहाँ से, ये इतना डिस्टेंस दिख नहीं रहा होगा बट जो वहाँ घोड़े हैं ना उसके भी नीचे से आ रहे थे हम लोग। और दिस इज़ कॉल्ड अ ब्यूटी गाइस, ये देखो बादल देखो, दिस इज़ अ मोहल्ला टॉप। सबसे ज़्यादा हाइट पर हम ही है, उसके नीचे और भी ऐसे ऐसे बीच बीच में पहाड़ वगैरह बने वो, तो इतना कुछ नहीं जितना हमने कर पाए। मेनली दिस इज़ अ मोहल्ला टॉप गाइस, और वो मेरा भाई बैठा हुआ वहाँ पर और हालत टाइट हो चुकी है बिल्कुल। सो थोड़ा यहाँ बैठ के चिल करेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, उसके बाद आधे घंटे में नीचे के निकलेंगे, पहले फोटोज वगैरह लेंगे। और एक तरफा सुकून है भाई यहाँ पर, सुकून है। चिराग भाई तेरे को बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। आज की ब्लॉग को यहीं तक ही रखते हैं क्योंकि बैटरी वगैरह सब खत्म होने वाली है। और जितना भी मैंने ब्लॉग बनाया है, अगर आपको वो ब्लॉग पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप सब लोग अपना ध्यान रखो। और ये यहाँ का ये उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड है क्योंकि भाई जितना बजट हो उतना ही यहाँ सकते हो। और यहाँ पर भी एक तरफा व्यू है। अगर आप लोगों ने ऐसे प्यार देता रहा और सब्सक्राइब करते रहे चैनल, तो क्या पता रियल में भी स्विट्जरलैंड चले जाएंगे और आप लोगों को भी साथ लेके जाएंगे जब सब्सक्राइबर गेन हो जाएंगे। फ्री ट्रिप मेरी तरफ से।